कोई साथी ढूंढना होता है, उसके साथ चहल पहल करनी होती है, है ना एक साथी। हाँ मैं नहीं मानते को लड़की, हम लड़कों की तारीफ नहीं करते, हम विमेन बहुत कम लड़कियां आपस में तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ये हमने चेंज करना है, लड़कियों को लड़कों की तारीफ करनी चाहिए, हमारा भी हक बनता है सुनने का। मैं तुम्हारे पीछे भागूं? मैं तो भागना चाहता हूँ, बोल अपने मेरों को कॉल किया जाए। कन्हैया भाई समझाना इसको, अपने मेरों को कॉल किया जाए क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। थैंक यू अचिता। गुड मॉर्निंग बकलोज, वेलकम बैक टू द बकलोज टीवी व्लॉग्स। सर आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से सुबह के बजे 10:30 और अपन निकल रहे हैं ऑफिस की तरफ। और भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड हुए नहीं घर से बाहर और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मेरी दादी है, दादी को मैं फिलहाल डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, फिर वहाँ से घर छोड़ूंगा, फिर वहाँ से होते ऑफिस जाऊँगा। तो चलो फिलहाल करते गर्मी में अपने व्लॉग की शुरुआत, भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। तो दादी को डॉक्टर के पास दिखा के घर ड्रॉप करके मैं आ चुका हूँ ऑफिस की तरफ। 12 बज चुके हैं, ऑफिस पहुँच चुका हूँ मैं। पाश अंकल बड़ी गर्मी है यार, बड़ी गर्मी है, गर्मी बड़ी है। दोपहर के बजे 2 और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, द ग्रैंड स्टैंड जम्मू। अपने लास्ट व्लॉग में अगर देखा होगा तो हमने किया था आपसे वादा कि एक पार्टी होस्ट करने वाले हैं, शायद से आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लेकिन हम जा रहे हैं बहुत ज्यादा मजा करने के लिए। और आज मौसम एकदम चकाचक है, मैंने वेदर चेक किया है, वेदर की आज तो खबर भी आई है कि पूरे 7 दिनों के लिए अगले हफ्ते के लिए वार्निंग मिली है, मतलब तगड़ा थंडर स्टॉर्म और बारिश होने वाली है। सो अगले हफ्ते मतलब जो है आप सब अपने अपने घरों पर नहीं रहना, मतलब बाहर निकलना, लेकिन बारिश होने वाली है मैं आपको बता दूं, तो मतलब मजा आने वाला है। बारिश में मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो फिलहाल हम निकलते ग्रैंड स्टैंड जम्मू के लिए, बाकी गेस्ट भी आ रहे हैं, थोड़ी सी हमने तैयारियां भी करनी है, देखना कहाँ किसको कहाँ बैठाना है, कौन से स्टेडियम में, आहोत्रा अलग अलग स्टेडियम बने हुए थे ग्रैंड स्टैंड में, दिखाते आज आपको। चलो फिर पहुंच चुके हम द ग्रैंड स्टैंड रेस्ट्रो स्ट्रोव स्पोर्ट्स बार। सर द ग्रैंड स्टैंड में आने का ये फ़ायदा है, आप मतलब इतनी सारी स्क्रीनें लगे हो, मैच बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो हर जगह हर कोने पे। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पूल भी खेल सकते हो, बाकी गेम्स भी हैं। रजत भाई नहीं आया, जब मैंने उसके साथ पूल की शर्त लगाता मैं, बाकी एयर हॉकी भी है, ये भी खेल सकते हो। सो इट्स टॉस टाइम, थाला स्पिन्स द कॉइन एंड महेंद्र सिंह धोनी के भी टॉस हार सकते हैं क्या? क्या बात करते हो तुम लोग यार, बैट फर्स्ट। सुबह चेन्नई की बैटिंग है। सो गाइस इट्स टाइम, ड्रीम इलेवन में टीम बना लेते हैं हम भी, क्या बात है, 2 करोड़ जीत जाए, है ना। फिलहाल मेरे गेस्ट आने वाले हैं, सब ऑन द वे है, सब उससे पहले वो है, मैं ड्रीम इलेवन पर टीम लगा लेता हूँ। तो रूपाली जी ना सबसे पहले मतलब हमारी गेस्ट जो है वो आए, तो ये कह रहे मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आया, मैंने जम्मू वाले हमारे 1 घंटा तो मिनिमम सारे लेट होते होते हैं, तो अभी तक कोई नहीं आया, जितने भी लोग हैं ना सारे आधे रास्ते में आधे कहाँ पर है। तो रूपाली जी सबसे पहले बिल्कुल। हाय असिता, थैंक यू फॉर कमिंग, लेट हो तुम, हाँ लेट हो। सिमरन तुम भी लेट हो। मैं लेट नहीं हूँ, आधा घंटा लेट हो तुम। नहीं आधा घंटा, तुम तो कह रही तुम सूट पहन के आने वाली हो। मैंने क्या बोला? नहीं बोला था, अच्छा लास्ट टाइम बोला था, सॉरी मुझे लास्ट टाइम का याद आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकियों का तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, आधा घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है, ये अपनी बंदी है, अपनी टीम की बंदी लड़की है, पर है तो अपनी टीम है, तुझे तो सबसे पहले आना चाहिए था। लड़की वाली चल ठीक है बैठ जा। तो हर्षिता और सिमरन ना मेरे को जबरदस्ती बाहर लेके आई, कहती वीडियो बनानी है। मैंने कहा अभी पूरा दिन पड़ा है, शाम पड़ी यहीं पर ना, लोग आ जाएंगे ना, लोग नहीं, कहती फिर मेकअप उतर जाएगा। मैंने नहीं कहा। हाँ ठीक है ठीक है, ये मैंने नहीं बोला मेकअप। क्या शूट करवाना करना है तुमने? हमने एक मीम शूट करना है, यहां से लाइट आएगी ना। क्या शूट करना तुमने? एक कंटेंट, कंटेंट करना है, डांस करना है, जल्दी करो, कैमरामैन बना कर देती लड़कियां यार। सो स्पेशली माही को लेने के लिए मैं नीचे आया हूँ क्योंकि बनता है। हाय माही, हाउ आर यू? यू लुकिंग प्रीटी। हाँ बहुत बढ़िया, और क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में चहल पहल। किसके साथ? खुद के साथ। ऐसे खुद के साथ चहल पहल अच्छी नहीं होती, कोई साथी ढूंढना होता है, उसके साथ चहल पहल करनी होती है, है ना एक साथी। हाँ मैं और कोई नहीं, है ना, कह सकते हैं। शर्मा कह रहे हो? शर्मा का
Okay. That's the only hobby, you know. आ जाओ फिर वेलकम जानवी, तुमने माही के साथ फ्लर्ट नहीं करना, उसके साथ मैं करूँगा ठीक है? नहीं करती। ठीक है, ये करती लड़की के साथ की फ्लर्ट करती है माही ये। करी आप तारीफ तो की होगी की? That's a good thing. करनी चाहिए। Yes. That's how we can you know inspire other women. हाँ, नहीं, मतलब मैं यही कहना, मतलब तारीफ करनी चाहिए तो करो ना मेरी। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं करता कोई? We are talking about women. नहीं, मतलब देखो लड़की, हम लड़कों की तारीफ नहीं करते, हम women बहुत कम लड़कियां आपस में तारीफ करते हैं। ये हमने चेंज करना है, लड़कियों को लड़कों की तारीफ करनी चाहिए, हमारा भी हक बनता है सुनने का। You know, there were times जब लड़कियां एक दूसरे से जेलस करती थी, बट नहीं। Now It's a thing that women's supporting women, you know. मैं आप तारीफ नहीं करूँगा। कोई भी चिकन स्टीम। Yeah, why not? You are great. Chicken steam. और. You are amazing. You are doing amazing and. Thank you. अपने बारे में सुनने में बड़ा मजा आता है। और. और वो दिन दूर नहीं जब तुम. जब मैं. बहुत. बहुत. आसमान के तारे छू रहे होंगे। आसमान के तारे, क्या पता नील स्ट्रॉन्ग बनेगा तुम्हारा भाई। अर्षिता, तो अपने हाथों से सिमरन को खाना नहीं खिलाओगी? खिला भी दिया मैंने। सिमरन को खिला दिया तो खिला दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, खिला रही हूँ। थैंक यू अर्षिता, आई एम लविंग इट। आपने फोन किया था, मैं आपको कॉल कर ही रहा था। सॉरी, मैं नहीं हूँ। ये लड़की ना ऐसे मतलब प्यारी प्यारी बातें करती है, फिर उसके बाद दो दिन फोन नहीं उठाती। ये इसकी निंजा टेक्निक है, ठीक है? मैं ऐसी ही हूँ बाय नेचर, तो इसमें मैं क्या करूँ? मतलब प्यारी बातें करके फिर फोन नहीं उठाना? यार फोन नहीं उठाना वाली बात, sometimes you get busy, sometimes you're traveling somewhere and sometimes you're lonely. So tab man lonely, main apni baat kar raha hu, main hamesha hai. So that means he's calling me when he's lonely, really? Are nahi, wo to main hamesha rehta hu, matlab jab banda dukhi hota hai tab sochta na apne mero ko call kiya jaye. अपने बंदे को कॉल किया जाए, अपने मेरों को कॉल किया जाए। अपने मेरों को कॉल किया जाए, कन्हैया भाई समझाना इसको, अपने मेरों को कॉल किया जाए क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। कहावत है ना, अपने मेरों को, मतलब अपना अपना सा फील होए। हाँ, आपको कब मैं अपनी अपनी फील हुई है? नहीं, कुछ नहीं रहा। बंदा सिर्फ इवेंट्स के लिए मेरे को फोन करता है, सिर्फ काम के लिए मेरे को टेक्स्ट करता है, और कोई टेक्स्ट करता है बकवास करता है। यार ऐसे फिर तुम्हें पता है, बाकी काम शाम करना होता है तो क्या करें। अभी क्या खिला रहे हो? जो तुम बोलोगे। जो मैं बोलूँगी, ठीक है, मैं मेन्यू देख के बता रही हूँ। ये लड़की एक साल के बाद मिल रही है, एक साल से हर महीने रोज़ प्लान बनाती है, एक दिन पहले कैंसिल कर देती है, ये ऐसा क्यों? किस्मत तुम्हारी है मेरी? बट अब आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना मेरे से मिलके? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक साल बाद कैसे अच्छा लगेगा? चलो बढ़िया, मैं पतली हुई लड़की पहले से। हाँ, स्ट्रेस, अभी इसका स्ट्रेस दूर करता मेरी। रुको तुम लोग। हाय क्रिया, तुमने कल व्लॉग लाने से मना किया था, आज तो बंद नहीं होगा। हाय, वाइटिश, हाँ, लुकिंग क्यूट। स्मॉल ठीक है, मैं पहली बार स्मॉल में आ रही हूँ। तुम परी हो, डोंट वरी। हुस्न की परी हो, क्या बात है। मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को रख लेंगे ना। नहीं, तुम्हारे पीछे भागू? मैं तो भागना चाहता हूँ, बोल। मैं ज्वाइन किया था गौरव भाई ने और भानु भैया ने। थैंक यू भैया। भैया मैं भैया भानु भैया भैया हमारे परसों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रशिया खेलने के लिए जा रहे हैं। मास्को कप, क्या बात है भैया, हमें पता है वहाँ पे नाम रोशन करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, 2 तारीख को फ्लाइट है। थैंक यू सो मच। हाय धोनी। सो यहाँ पर गुल्ली डंडा खेलते हुए सूर्य भानु प्रताप वर्सेस गौड़ा। नहीं नहीं, और देखिए जरा किस पे कितना है दम। बिल्कुल, देखते कौन जीतता है। चलो भाई, जितना तो गौरव भी है। कितने कितने की लगी है? एक ए शून्य 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 की। शॉट 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 इन द पॉट। मजे से। ओ यार गौरव भाई, क्या हो गया? हार्ट लग, कितने सालों के बाद खेल रहा हूं।
हमारा आज का इवेंट हो चुका है ख़त्म और अब हम निकल रहे हैं वापस। हाँ रिया, तुम्हें लेने के लिए कोई आ रहा है? हाँ जी। कौन? दोस्त। ओके, क्या है तुम पहले ना अपनी शक्ल क्या मतलब ठीक है अच्छी खासी दिखती हो तो क्या मतलब भाई यार ये कैमरे के सामने क्यों नहीं आती है ना इसका कुछ करना पड़ेगा। She has to acquire that camera friendly thing, I guess.